हेलो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज़, कैसी हैं आप। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सच को उजागर करने आई हूं जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे और शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता हो। अमेरिका में 117,200 महिलाओं पर की गई रिसर्च एंड 36 साल तक इन पर हुए शोध के बाद जारी किए गए नतीजे के सामने आने पर यह पता चलता है कि जो आप लोग बालों में हेयर डाई का यूज़ करते हैं उससे लेडीज को कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मेरी सोसाइटी में काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड शोर आ रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सोसाइटी का वर्क है तो वो करेंगे ही करेंगे, उसको मैं मना नहीं कर सकती या कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो प्लीज उसको उस आवाज को अवॉइड करिएगा और जरूरी इंफॉर्मेशन को जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसी महिलाएं जो लगातार हेयर डाई का इस्तेमाल करती हैं उन्हें ब्रेस्ट, स्किन और ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में यह सामने आया है। बीएमजी जनरल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक नेचुरल हेयर कलर में भी कैंसर का खतरा है। ये बात डराने या किसी भी तरीके से धमकाने के लिए नहीं बता रही हूँ और ना ही मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन या डिमोशन कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं मेरे ज़्यादातर चैनल्स आप देखते होंगे वीडियोज़ बालों से रिलेटेड है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको बालों की सारी अच्छी और बुरी जानकारी मैं देती रहूँ। और मैं तो आप हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मेहंदी ही बालों में अप्लाई करिए, क्योंकि मैं खुद मेहंदी अप्लाई करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जो लोग आज भी डाई अप्लाई कर रहे हैं अपने हेयर में तो उनको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरी एक ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके बालों से रिलेटेड अच्छे और बुरे सारी जानकारी देती रहूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रही हूँ और मेरा कोई भी किसी तरीके का कोई भी इरादा नहीं है, बस मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर सारी जानकारी प्राप्त कर ले। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस हेयर ड्राई में ऐसे रसायन तत्व होते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनमें अमोनिया, पर ऑक्साइड, पी फेनिलेने डायमाइन, डी अमीनो बेजीन, टालुइन 2,5 डाइअमीन और रिसार्सिनिलॉल शामिल होते हैं। तो ये जो रसायन होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ओवरियन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आज आपके सामने कुछ प्रिकॉशंस और कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि अगर आप डाई फॉलो करते हैं तो वो प्रिकॉशंस के साथ आप फॉलो करिए जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई भी कैंसर ना हो और उससे बचे रहें बीमारी से। तो वो क्या है आइए जानते हैं। सर, नंबर 1, डाई करते समय यह ध्यान दें कि डाई सिर्फ बालों में ही लगे, स्कैल्प में ना लगे। इट मीन्स जब भी डाई करिए तो बालों के ऊपरी सतह में लगे, जड़ों में मत लगाइए। जड़ों की स्कैल्प जो होती है, जमीन होती है, सर की स्किन होती है, उसमें मत लगने दीजिए। सिर्फ बालों में ऊपरी डाई से बालों को कवर करिए। नंबर 2, डाई को सूखने के बाद बालों को अच्छी तरीके से पानी से धुल लें, मतलब अच्छे से धुलिएगा, अच्छे से वॉश करिएगा, उसको वैसी मत छोड़ दीजिएगा। और ध्यान दें कि टाइम जितना टाइम लगा लिखा है, जैसे 10 मिनट्स लिखा रहता है, तो 10 मिनट्स बाद ही तुरंत आप उसको धो लीजिए। आप उसको रखे मत रहिए कि आप 2 घंटे 1 घंटे तक आप उसको रखे, उसको आप तुरंत वॉश कर लीजिए पानी से। नंबर 3, डाई करते समय दस्ताने पहनना ना भूलें, यानी वो डाई का पीस किसी तरीके से भी स्किन को टच नहीं होना चाहिए, ना ही सर की स्किन को, स्कैल्प को, ना ही हाथों की स्किन को टच करें। हमेशा ग्लव्स पहन के ही डाई को अप्लाई करें बालों में। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और जितने भी नए व्यूअर्स आए हैं वो भी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, तो जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके सामने फिर से नया वीडियो लेके हाजिर हूँगी। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।